नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ टमाटर का रायता। टमाटर का रायता बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। पका टमाटर 2 से 3, दही 2 कप, कटा अदरक आधा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, कटी हरी मिर्च 1 या स्वाद अनुसार, किशमिश 10 से 15 नग, भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच या स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1/4 चम्मच, नमक व काला नमक स्वाद अनुसार, कटा हरा धनिया 1 चम्मच। सबसे पहले टमाटरों को धो लेंगे और चाकू की मदद से 2 भागों में काट लेंगे और बीजों से अलग कर लेंगे। ऊपर से डंठल वाला हिस्सा भी काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट लेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। दही में चीनी डालेंगे, करछल या व्हिप की मदद से फेंट लेंगे। हरी मिर्च, अदरक, नमक व काला नमक स्वाद अनुसार, भुना जीरा, पिसी लाल मिर्च स्वाद अनुसार डालेंगे और मिलाएंगे। कटा टमाटर डालेंगे, मिलाएंगे। काली मिर्च डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए मिलाएंगे। टमाटर का रायता बनकर तैयार हो चुका है। हरा धनिया व किशमिश से सजाकर किसी भी व्यंजन के साथ परोस सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।